हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी जिसका नाम है इनोसेंस। ये कहानी है एन नाम की लड़की की। वो सोल शहर की एक बहुत ही कामयाब लॉयर होती है एंड वो अपने फैमिली से दूर रहती थी। उसने किसी कारणवश 10 साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया था एंड उसके फादर टेक यश डेथ हो गई थी और गाँव पर उसके घर पर फ्यूनरल था। गाँव के मेयर भी वहाँ पर आए हुए थे जिनका नाम था चा। एंड वहाँ पर हम जान पाते हैं एन के भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसका दिमाग दरअसल एक 10 साल के बच्चे की तरह था। कुछ देर पे वहाँ पे खा रहे सभी लोगों के मुंह से झाग निकलने लगती है एंड फिर अगले सीन में ये बातें मीडिया कवर करना शुरू कर देता है। एंड टीवी पे एन देखती है कि उसकी माँ को पुलिस ले जा रही है क्योंकि वहाँ पे एक इंसान की जान चली जा चुकी है और बाकी सभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कहा जा रहा है राइस वाइन पे पेस्टिसाइड मिलाया गया था और जिसने भी उसे पिया उसकी हालत खराब हो चुकी है। ये देख वो तुरंत अपने गांव जाने का फैसला करती है। रास्ते में वो अपने एक ऑफिसर दोस्त को कॉल कर कहती है कि वो उसके गांव के केस के बारे में कुछ पता करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एन के फादर जो थे वो एक बहुत ही घटिया इंसान थे। हमेशा वो एन को मारते थे और उसे पढ़ने से रोकते थे। एन ने सोल नेशनल यूनिवर्सिटी पर अप्लाई किया था और स्कॉलरशिप पर उसकी एडमिशन हो गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसकी मॉम भी उसका साथ नहीं दे पाती थी। आज गाँव पहुँचकर एन सबसे पहले अपनी मॉम से मिलती है एंड उसकी मॉम को वो बिल्कुल भी याद नहीं थी। उसकी मदर को तो ये तक याद नहीं होता कि कल उनके घर पे एक फ्यूनरल था जहाँ कुछ लोगों की हालत क्रिटिकल हो गई राइस वाइन पीने से। बेसिकली उन्हें डिमेंशिया था और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। फिर वो कहने लगती है, मैं कहाँ हूँ, मुझे घर वापस जाना है मेरे बेटे के पास। फिर एन अपने घर आ जाती है एंड वहाँ पर गाँव के पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसे कुछ गड़बड़ लगती है एंड फिर वो कोर्ट पर आती है जहाँ उसकी मॉम की सुनवाई थी। सुनवाई पर उनके खिलाफ ही सबूत मिल रहे थे और इसलिए फिलहाल के लिए उन्हें जेल लेकर आया जाता है। फिर वो अपनी आंट यानी अपनी बुआ से मिलती है एंड वही थी जो अभी एन के भाई जंगसू की देखभाल कर रही थी उसकी मॉम की गैर हाजिरी में। वहाँ पे अपनी मॉम की लॉयर से मिलती है एंड वो उस पर नाराज हो रही थी कि वो चाहता उसकी मॉम को फिलहाल जेल जाने से बचा सकता था क्योंकि जुर्म साबित नहीं हुआ है और एन की मॉम को जो हालत है उससे वो कहाँ ही भाग जाएगी। लेकिन वो लॉयर एक तरह से एक निकम्मा था और उसे एन की बातों का बुरा लगता है और वो उस केस को ही छोड़कर चला जाता है। उसकी बुआ उससे बहुत चिल्लाती है आखिर क्यों वो अपने फादर के फ्यूनरल पर नहीं आई थी। फिर एन अपने बॉस के पास जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक केस को हैंडल कर रही थी और वो उस केस को छोड़कर अपनी मॉम वाले केस को लेने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वो अपने होम टाउन आकर उन लोगों के घर जाती है जो जहरीले राइस वाइन के विक्टिम थे, पर उन सभी के घर वाले एन से बात नहीं करते। फिर एन का ऑफिसर दोस्त उसे ट्राइब पे केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है एंड वहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम्हारी मदर डेफिनेटली बेकसूर है, उन्होंने कन्फेशन पेपर्स पे इसलिए साइन किया होगा क्योंकि वो डर गई होंगी क्योंकि बेटे पर कोई दिक्कत ना आ जाए। वैसे भी तुम्हारे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है तो ये कारण मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। फिर वो पेन ड्राइव की फुटेज को देखती है और अगले दिन कोर्ट पर वो सभी को बता रही थी कि कैसे वो पुलिस ऑफिसर उसकी मॉम को फोर्सफुली कन्फेशन साइन करवा रहा था। एंड वहाँ वो ये भी बताती है कि ऑफिसर चोई और मिस्टर बैंग दोनों के ही फादर राइस वाइन के कारण हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ये उनका पर्सनल मैटर भी बन चुका है मेरी मॉम को फंसाने का। वो अपनी मॉम की डिमेंशिया के बारे में बताती है एंड यहाँ ये कंफर्म हो गया था कि उसकी मॉम को फंसाया गया है, इसलिए वो अपनी मॉम के इलाज के लिए बेल की रिक्वेस्ट करती है। वही फिर अगली सीन में हम देखते हैं मेयर चा, ऑफिसर चोई, मिस्टर बैंग और उनके लॉयर जंग को डांट लगा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि एन की मदर को जेल में ही रहना पड़े। वही एन अपनी मदर को चेकअप के लिए लेकर जाती है एंड वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उन्हें घर पर ही रखना बेहतर होगा। फिर वो अपनी मदर के चेंबर में आ रही थी लेकिन उसकी मॉम वहाँ पे नहीं होती। वो सीसीटीवी पे चेक करती है तो वो कहीं चली गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद वो उन्हें लेकर किनारे तक आती है। वो ऑफिसर्स उन्हें वापस ले जाते हैं क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे। उस जगह पहन के उसका बचपन का दोस्त वैंग मिलता है एंड वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कह रहा था क्योंकि वो भी एक ऑफिसर बन गया था और वैंग की हेल्प करना चाहता था। वो एक फुटेज दिखाकर कहता है, लगभग 3 महीने पहले तुम्हारी मदर यहाँ पर आई थी। वो कह रही थी मेरा पति और मेरा चाय खूनी है, लेकिन उन्होंने किसका खून किया है ये वो नहीं बताती और वैंग समझ नहीं पाता कि वो सच कह रही थी या झूठ। एंड कह देती है उन्हें डिमेंशिया है तो रहने दो। फिर वैंग उसे कसीनो के बारे में बताता है जो पहाड़ों के पास बना है। अब एन पुराने लॉयर के पास जाती है एंड वो एक सिविल स्पेशलिस्ट लॉयर था एंड स्लैन उसे कसीनो के बारे में पूछने की कोशिश करती है। वो घबरा जाता है और कुछ काम का बहाना बनाकर एन को भेज देता है। एन की जाते ही वो मेयर चा को कॉल कर सब कुछ बता देता है, यानी वो भी मेयर चा का ही आदमी था। अब वैंग की मॉम का लॉयर इसलिए बना था ताकि वो उन्हें फंसा सके। एंड तुरंत ही वापस आती है क्योंकि वो अपने फ़ोन को भूल गई थी। फ़ोन पे उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था एंड वो उस फ़ोन को लेकर चली जाती है। घर जाकर वो उसे सुनती है एंड फिर वो एक कंक्लूजन बनाती है कि एन के फादर टेई खूनी है।
मेयच या उनके सभी साथियों ने भी डे का साथ दिया होगा। लेकिन आखिर इन लोगों ने खून किसका किया है और मेयर एन की मॉम को फंसाना क्यों चाहता है। फिर वो अपने घर पे छानबीन करने जाती है तो एक अनजान बंदा उस पर हमला कर देता है। वो भाग जाता है लेकिन उसकी लाइटर वहीं पर रह जाती है। पर वैंग उसकी मदद करता है और वो मिलकर उस अटैकर का पता लगाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बैंग के फादर गुजर जाते हैं एंड वो सभी उनके फ्यूनरल पे गए थे। जंगसू बैठा खाना खा रहा था कि तभी मेयर के एक आदमी जंगसू के फोन के इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। तभी एन आकर उसे भगा देती है और वो जंगसू को समझा रही थी कि वो सिर्फ एन से ही बात करें और किसी से भी नहीं। बाहर उन दोनों पे कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। अगले दिन कोर्ट पे सुनवाई चल रही थी। प्रोसिक्यूशन ने जंगसू के फोन से जो डेटा लिए थे उसी में उन्हें कुछ फोटोज मिलते हैं और वो उन्हें दिखाता है कि एन की माँ को किसी भी तरह से वो गुनहगार प्रूफ करते हैं। फिर वो जंगसू को खटघरे पे बुलाना चाहता था लेकिन एन ऐसा करने नहीं देती क्योंकि जंगसू एक बच्चे जैसा है। घर पर एन वीडियो देख रही थी जब मेयर चा को वीडियो पे देख जंगसू कहने लगता है ये एक बहुत ही बुरा इंसान है, इसे डरना चाहिए। फिर एन उसे समझाती है कल खटघरे में मेरी तरफ देखना, अगर मैं हाँ करूँ तो हाँ करना और अगर ना करूँ तो ना। एंड अगले दिन कोर्ट में प्रोसिक्यूशन जंगसू के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उसे प्रेशराइज करके वो ये निकलवा लेता है कि उसने वाइन डाली थी सबको। और फिर जंगसू से डरकर मॉम मॉम करने लगता है। तभी उसकी मदर कहने लगती है उसने कुछ नहीं किया बल्कि सारा काम मेरा है। ये दिकैन उन्हें याद दिलाती है कि उन दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट रद्द हो जाता है। एन की मॉम बेहोश हो जाती है, उन्हें दोबारा हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। फिर जंगसू को प्रोसिक्यूशन वाला डिटेक्टिव अपने साथ ले जाता है एंड वो सभी काफ़ी पावरफुल लोग थे तो एन जंगसू को बचा नहीं पाती। फिर वो गूगल पे मेयचा और उसके सभी साथियों के बारे में पता करती है एंड वहाँ वो देखती है कि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं और टाउन का सिस्टम भी काफ़ी वीक है। यहाँ के पावरफुल लोगों के सामने वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस बारे में वो वैंग को बताती है एंड वैंग उस रात एन पे हमला करने वाले लोगों को ढूंढने जाता है और एन अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो हम देखते हैं प्रोसिक्यूशन वाला लॉयर ऑलरेडी एन की मॉम के पास था और वो उनसे कहता है अगर आप अपने आप को गुनहगार बता दोगे तो आपका बेटा बच जाएगा। एंड एन की मॉम खुशी खुशी उसकी बात मान जाती है जंगसू को बचाने के लिए। फिर जब एन उनसे मिलने जाती है तो वो सिर्फ यही कह रही थी कि जंगसू ठीक तो है ना। एन को ये देख काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी मॉम को वो याद ही नहीं है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एन के जाते ही उन्हें याद आता है कि वो तो एन थी जो उनकी हेल्प करी है और वो उसे मिलने के लिए पागल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वैंग एन को कॉल कर बताता है कि वो हमलावर पुलिस स्टेशन पे है, जल्दी जाओ। वहाँ उसे सवाल जवाब हो रहे थे एंड तभी प्रोसिक्यूशन वाला लॉयर आकर उसे अपने साथ ले जाता है एंड वो कुछ भी कर नहीं पाती। वो लोग उस बंदे को वहाँ पे ले जाकर बस स्टैंड पे छोड़ देते हैं ताकि वो टाउन से बाहर चला जाए। वैंग उस बंदे के पीछे लग जाता है और एन प्रोसिक्यूशन वालों पर नज़र रखी हुई थी। फिर वो उस वैंग का पीछा करती है एंड वैंग के अंदर उसे एक नक्शा मिलता है। घर पर वो कुछ फोटोज़ को देख रही थी कि तभी एक फोटो फ्रेम गिर कर टूट जाता है और उसके अंदर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ और फोटोज़ मिलते हैं। यही नहीं उसे घर के अंदर एक टूटा हुआ फ़ोन भी मिलता है एंड वो उसे ठीक करने के लिए देती है। फोटोज़ को जोड़कर उसे चुनवू के बारे में पता चलता है एंड वो राइस वाइन के एक विक्टिम से हॉस्पिटल पे मिलने जाती है और वहाँ वो चुनवू के बारे में पूछती है। वो बताता है सालों पहले टाई चा के साथ ही और चुनवू सभी साथ में काम करते थे एक कंपनी में जिसके बॉस चुनवू के फादर थे। समय आने पर बॉस ने चुनवू को मालिक बनाने का डिसाइड किया क्योंकि वो उनका बेटा था और बहुत अच्छे से काम को संभाल भी रहा था। लेकिन बाकियों को ये बात हजम नहीं हुई और टे ने प्लान बनाया कि वो सभी उसे मार देंगे और वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। टे फिर मैनेजर बन जाता है और वो सभी उसके साथ मिलकर बहुत पैसे कमाते हैं। वही फिर प्रेसिडेंट वैंग उसे कॉल कर बताता है उस बंदे ने सच बता दिया है कि ऑफिसर बैंग ने ही उसे एंग के घर भेजा था। वही दूसरी तरफ मेयर चा को फ़ोन पर किसी को कहते देखते हैं कि वो आदमी एंग को मार दें और तभी एंग का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड एंग को जब होश आया था तो वो हॉस्पिटल पर थी एंड वैंग उसे बचा कर ले आया था। एंग को ज़्यादा चोट नहीं आई थी एंड वैंग को हमलावर ने एक मैप दिया था। एन उसे दिखती है और कहती है मेरे एक्सीडेंट की फुटेज निकालो चलते चलते। फिर वो मैप पे दिख रहे जमीन किसके नाम पर है वो पता करवाती है और अपने घर से सभी सबूत निकलवाती है। वो मेयर चा के पास जाती है ताकि उसे कोर्ट में एज अ विटनेस वो बुला सकें लेकिन वो फिलहाल नहीं मानता। वैंग उसे फुटेज दिखाकर बताता है कि वो ट्रक मिस्टर बैंग की कंपनी का था और बैंग मेयर के साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर वो पेस्टिसाइड के शॉप ओनर से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे इसमें गवाही देने में एंड वो मान जाते हैं। वो कोर्ट में आकर सभी को सारा सच बताते हैं कि टे ने किस तरह खुद को कंपनी का मैनेजर बना लिया था लेकिन वो पैसे के लालच में पागल हो गया था। फिर वो टाउन का मेयर भी बनना चाहता था और इस बात का फ़ायदा चा ने उठाया। वो अपने बाकी लोगों के साथ मिलकर टे को कर्ज में डुबा देता है, उसे गलत गलत जगह पर इन्वेस्ट करवा कर वो उसे एक ऐसी ज़मीन खरीदवा देता है जहाँ से खबर थी
कि वहाँ पे सोना ही सोना है। एंड जब सोना नहीं निकलता तो टे बर्बाद हो चुका था। एंड फिर वो सभी लोग मिलकर टे को धोखा देकर उसके पोजीशन को हासिल कर लेते हैं और विचा खुद मेयर बनने की तैयारी शुरू करता है। और उस दिन गुस्से में टे ने सभी से कहा था कि मैं तुम सबको जहर देकर मार दूंगा। अब एन कोर्ट पर दरख्वास्त करती है कि मेयर चाक को भी बुलाया जाए। एंड इसलिए उसे बुलाया जाता है। कुछ सवाल जवाब मेयर से होते हैं। एंड एन वहाँ पर यह प्रूफ करना चाहती थी कि उस पहाड़ में कसीनो जो है उसे मेयर ने ही बनाया है, उस जमीन को मेयर ने खरीदा है। फिर एन जज से रिक्वेस्ट करती है कि अगले विटनेस की गवाही के लिए सभी को बाहर भेज दिया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। वो विटनेस वही हमलावर था। फिर वो बंदा उन्हें बताता है कि मियाँ चा के कहने पर बैंक ने उसे टे के घर भेजा था, उसे जमीन के कागजात चाहिए थे। फिर वो गलती से कसीनो वाली बात भी बता देता है कि ऐसा करने पर मुझे मेयर ने कसीनो पे नौकरी देने का वादा किया था। एंड ट्रायल के बाद एन फोन लेने जाती है और फोन के अंदर उसे वीडियो मिलता है। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें टे कह रहा था कि जब भी मैं अपनी वाइफ का बना हुआ खाना खाता हूँ तो मैं बीमार होने लगता हूँ। चुनवू के साथ जो हुआ उसके लिए वो मुझे मारना चाहती है। अब बहन अपने भाई जंगसू को फ्री करवा लेती है। एंड फिर वो अपनी मदर के पास जाती है। उन्हें टे चा और सभी साथियों के फोटो दिखाकर पूछती है आखिर उन्होंने क्या किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दिन टे से मिलने चा आया हुआ था। उन दोनों की बातें वो सुन लेती है कि उन्होंने चुनवू को मारा है। और उस दिन से वो हर रोज खाने में टे के लिए पेस्टिसाइड मिला देती थी और इसलिए टे धीरे धीरे बीमार होता हुआ मारा गया। फोन पे जंगसू ने रिकॉर्ड किया था जिस पे टे कह रहा था कि एन की माँ उसे मारना चाहती है। और ये देख एन की माँ उस फोन को तोड़ देती है। फिर फ्यूनरल के दिन भी एन की मॉम ने ही सभी के राइस पे पेस्टिसाइड मिलाया था और जंगसू से कह दिया था कि वो सभी को ये वाइन दे दे ताकि वो सभी मारे जाएं। असल में चुनवू ही एन के असली फादर थे, यानी कि वो एन की मॉम हाईजेन के असली हस्बैंड थे। लेकिन जब वो मारे जाते हैं तब हाईजेन भी खुद को मारने की कोशिश करती है, पर टे उन्हें डूबने से बचा लेता है और कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। हाईजेन जिसे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता कि टे ने चुनवू को मारा है, तो वो अपने अंदर के बच्चे के लिए उसकी बात मान जाती है। उसके बाद जन्म होता है एन का। और टे इसलिए एन को मारता था क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी ही नहीं। एंड एन को हमेशा लगता रहा कि उसके फादर कितने बुरे इंसान हैं, जबकि उसके असली फादर चुनवू ऐसे नहीं थे। हाईजेन को इस बात का बहुत गम था कि वह एन को अच्छे से रख नहीं पाई और इस कारण से बहुत दुखी रहने लगी थी। उनका डिमेंशिया भी बढ़ने लगा। एन ये जानकर इमोशनल हो जाती है। एंड उसे रोता वो देख उसकी मॉम को याद आता है क्योंकि सामने उनकी बेटी बैठी है। उसे जोर से हक कर लेती है। एंड फिर वो पूछ रही थी आखिर हम दोनों यहाँ पर क्या करें और तुम रो क्यों रही हो। एंड डिसाइड करती है कि जो भी हो उसकी मॉम बेकसूर है, अब वो किसी भी हालत में उन्हें बचा कर रहेगी। फिर अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी जहाँ पे वो बताती है वो जमीन टे के नाम थी, लेकिन उन्हें अपनी तबीयत की इलाज के लिए बहुत ही कम दामों में जमीन बेच दी थी बैंक को। मैं गुस्से में कहता है तो इसे मेरा नाम तो नहीं है ना, मैं क्या करूँ। फिर एन ये प्रूफ कर देती है कि कैसे चा ने अपनी वाइफ के कजन्स के साथ मिलकर ये अफवाह फैलाई कि गांव की जमीन पे सोने की खदान है और कैसे धोखे से टे को जमीन बेच दिया। टे ने उस जमीन को खरीदने के लिए गांव वाले से पैसे लिए थे उनसे ये बोलकर कि जमीन के अंदर सोना गड़ा है, और एक तरीके से चा ने पूरे गांव वालों को लूटा है। ये सब जानकर पीछे बैठे सभी लोग चा पे चिल्लाने लगते हैं कि इसने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। तभी चा कहने लगता है तुम बातों घुमा क्यों रही हो, ये सब कुछ 20 साल पहले हुआ था और हम यहाँ पर राइस वाइन के पेस्टिसाइड मिलाने वाले को ढूंढ रहे हैं, तो केस को बदलो मत। और तभी एन कहती है राइस वाइन पे जहर मिलाने वाला व्यक्ति टे था, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। पर अब एन का काम था कि वो टे को इसमें फंसा कर अपनी मॉम को बचाए। वो कहती है सोने की खदान वाले धोखे के बाद वो गरीब हो चुका था और उसकी लाइफ हेल हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे चा का सच पता चल गया और इसीलिए खुद मरने से पहले उसने राइस वाइन पे पेस्टिसाइड मिला दी क्योंकि उसे पता था कि उसके फ्यूनरल बच्चा और उसके साथी जरूर आएंगे और वो उसे पियेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन प्रोसिक्यूशन इस बात पे ऑब्जेक्ट करता है, तो वो ये सबूत पेश करती है कि राइस वाइन पे मिली पेस्टिसाइड टे के कपड़ों पे भी लगी थी। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर उसके कपड़ों पे पेस्टिसाइड क्यों लगी थी, उसने तो उन्हें टच भी नहीं किया था। वह फिर वर्डिक के लिए जज अगली डेट देते हैं। एंड मियाचा पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुका था। वह अगले दिन हाईजेन को लाया जाता है। एंड एन उनसे कुछ सवाल करती है। उसकी मॉम को कुछ याद नहीं होता कि वो कोर्ट में क्यों लाई गई है या फिर वो जेल में क्यों है। यही नहीं, वो एन को दोबारा भूल गई थी और वो उसे भी पहचान नहीं पाती। ये सब दिखाकर एन जजेस से कहती है जिस व्यक्ति को उसकी बेटी तक याद ना हो वो किसी को कैसे मार सकती है। लेकिन टे ऐसा नहीं था, उसके पास पूरा मकसद था, एक कारण भी, चा उसके साथियों को मारने का, और इसीलिए टे ने ही जहर मिलाया था। एंड एट लास्ट वो केस जीत जाती है। फिर वो अपनी मॉम और भाई को लेकर चली जाती है। एंड लास्ट सीन में वो उस फोन को
उसी लेक पे फेंक देती है ताकि वो फोन किसी को भी ना मिल सके और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी जिसकी कहानी एक एक करके अपने सारे लेयर्स ओपन करती है। एंड गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू सून।